मैं सब देखने वालों को बहुत 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 उनके प्यार का शुक्रिया देना चाहती हूँ oh. इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली फैशन रील बनाई जो कि इंस्टाग्राम पे लगाई इस हफ्ते और उसका जो फीडबैक आया वो इतना जबरदस्त था दैट आई वाज जस्ट सो ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू शाहरुख द टीम हु इन द पिक्चर्स एंड हु डिड अ ग्रेट रील एंड आल्सो टू माय माय फ्रेंड रुकैया हु डिड हेयर एंड एंड मेकअप बट आई आई वाज रियली रियली हैप्पी यू लुक्ड स्टनिंग थैंक यू

वो हमने अटेंड किया बीस मिनट तक रखे हाँ जी तो होपफुली बीस मिनट आप

डिटेल में ऑब्वियसली मेरी और रामना की कॉन्वर्सेशन को जी uh, सुन पाएंगे बट फॉर नाउ आई थिंक अगर आप प्लान कर रहे हैं ईद पे फिल्म देखने का तो जरूर जाएंगे सिनेमा

आपसे आप, आप, आप खुशबू लेके आते हैं अंदर ड्राइंग रूम में ये तो मैं इतने नहीं तो फिर डाक क्यों पड़ा पता नहीं है <laughs> पड़ जाये करता है कोई ये हो सकता है शर्ट सस्ती हो

On your shirt. अगर आप ना कहते तो किसी सु... को नजर ना चलो ठीक है थीक मैंने कह दिया इसलिए मैंने कहा अच्छा है पता लग जाता है कभी हो जाता है और आप ठीक है ईद कैसी गुजरी है आपकी मेरी ईद कल गुजरेगी इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती लेकिन बॉडी अमन में गुजरेगी इनशाला मैं क्यूँकी ईद के अगले दिन लाहौर जा तो आ... के 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 आ, रही हूँ

तो आप कर ही रहे होंगे बस यही कहना था कि वो जरूर कीजिएगा नहीं जरूरी नहीं कि कर रहे हो तो अगर नहीं करे तो करें अगर नहीं करे तो कर और अगर कर रहे हैं तो, तो करना चाहिए ईद ऐसे आते हैं हैं याद में। जो आप कुर्बानी कर रहे हैं, उसमें एक हिस्सा आपका जरूर है हाँ। मगर बाकी सब जो है वो एक रिश्तेदारों का और एक दोस्तों का नहीं है दोस्तों का नहीं दोस्तों का रिश्तेदारों का रिश्तेदार दोस्त ठीक भाप आपके नेबर्स लेकिन लोग करते क्या है कि जैसे अगर बकरा है तो उसकी जो रान है वो रख लेते हैं <laughs> और फिर उनको रोस्ट करते हैं हाँ। हाँ। है sure बढ़ता बढ़ता है भाई है मल्टीप्लाई हो गया वापिस आता है बांटे इस बार आपके पास हो सकता है कोई आपको तो रान जाएगी आप आ जाएगी और खाने से हाथ थोड़ा होला रखियो मेहरबानी कीजियो गोश्त पे गोश्त

हमारे पास है नीम और है हमारे पास मेहरमा ये छह ड्रामे यूजुअली आप हमारे जो फ्राइडे का रिव्यू होता है उसमें गुरु को भी देखते हैं लेकिन क्योंकि आज हम वेंसडे गुरु के आने से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गुरु को इनशाला अगले हफ्ते हम जो अगली गुरु की एपिसोड ही कंबाइन करके उसको रिव्यू कर लेंगे दो एपिसोड ठीक है तेरे बिन यार आप लोग सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे पता नहीं नहीं पता आपको ओ,

आपने फिर फिर पूरी नहीं की ड्रामों की, क्यों आपने यूं ही बोला और फिर आप लपक के चले गए गुरु पे बीच में जो ड्रामे थे आपने मेरा मुझे प्यार हुआ था क्या और, हो गया और... सबके नाम लिए मैंने बोला यूं ही मुझे <laughs> प्यार हुआ था इरामें जुनून नीम झोक सरकार और महरमा बोले आपने सारे हाँ मैं कहूं अल्लाह रहम ही करे वैसे आज के रिव्यू पे अच्छा ठीक है अगर आपने बोला आप और... है, आप है आप करे। नहीं आप बैठे हैं यहाँ पे मतलब दिमाग कहीं और कहीं और था उस वक्त आप प्रेम शायद नहीं रहम करे जी प्लीजी मुझे प्यार हुआ था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप मुझे यार इसका नाम गलत रह पड़ा है क्या होना चाहिए था नाम इसका इसका नाम मुझे प्यार हुआ नहीं था इसका नाम होना चाहिए था मुझे मैं हुआ था। और वो भी ये साथ के लिए लिखा गया इस जी तो जितनी किस्तें हुई हैं बीस तो मेरे हाल हम टाप भी चुके हैं इसमें हर हर दर्जा ये कोशिश की गई है की जो हमारा प्रोटेगनिस्ट हीरो माशा सतईस किस्म हो चुकी है हर किस्म और हर मोड़ पे जितना जलील किया जा सकता है मियाँ साद को वो किया गया है मियाँ साद के वजह से मियाँ साद की मोहब्बत का जुल्म जुल मियाँ शाद की मोहब्बत का जुल्म उन्होंने उठाया, उठाया। उनके चाचा को फॉलेज हो गया उनके वालद साहब फौत हो गए उनकी बहन जो वो अगवा इस एपिसोड में हो जाती हैं उन पर एक्सीडेंट्स होते हैं अभी क्या था एंड में क्या एक और भी कुछ हुआ था उनके ऊपर उनको तस्वीरें दिखाई जाती हैं ब्लैक मेल भी उनको किया जा रहा है मतलब कोई ऐसा तशद नहीं है जो इन पे नहीं हो रहा एक सीन था पे चलाना यार पे वो है शक्ल बनाए हुए और साद में माहिर खड़ी हुए मैंने कहा ये दो इतने डायनामिक इंडिविजुअल्स हैं वहाज जी। और जी हानिया वहाज को एज मु जब हम देख रहे थे तेरे बिन में

मैं रहा 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 मैं ही मार साथ को। दूसरी बात यह है वो जो दो उल्लू के पट्टे आए बाहर ही खड़े हुए थे वो कहती है और एक सेकंड में दो गार्ड बंदूक लेके आ जाते God, God. हैं तो बाहर से अंदर कैसे आया वो क्या 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 है इतना गुस्से में एक बंदा आ रहा है वो क्या क्या है मिसेज रिहान से मिलने दरवाजा खोलो

बड़ी ऑफ एनालॉजी है बट इट वाज लाइक जैसे हमने अक्सर गाड़ी खड़ी होती थी और अगली गाड़ी में उनको बिठा दिया अभी अभी बैठना है। वो वो वाली बॉक थी हाँ. उधर से निकले हैं आगे तो वाँ वाले वाँ है, है। आओ जी, अंदर बैठो वगैरह अंदर बैठ रहे हैं अंदर जा रहे हैं फिर निकल रहे हैं फिर अंदर बैठ रहे हैं वैन में फिर वो विजुअल था

नहीं आप नहीं नहीं, हाँ, कह कह रही थी क्या क्या किरदार किरदार है 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 वही कि कि उसको रहा तुम शादी करोगी कहती हाँ, कहती मैं जो मेरे मुझे मुझे प्यार में धोखा मिला है, मुझे बदला लेना है, जब तक मैं उसकी उसके प्यार बर्बाद नहीं कर दूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा इसमें मेरी मदद करोगी वो कहती हाँ kind of, अरीब की अब मुझे तो आप एक बात बताएं, एक सवाल पूछूंगा फिर आगे चलेंगे ठीक है। मुझे प्यार हुआ था का अब क्या पर्पस है जब साद माहिर की आंखों में प्यार नजर आना शुरू हो गया माहिर उसे कह रही है कि चुड़िया लेके चुड़िया लेके आओ और फिर वो चुड़िया पहन रही तो बड़ी लॉस ही होती है तो मैंने हाँ। कहा इसको क्या हुआ इसको अरीब याद आ रहा है अरीब याद आ रहा है उसको क्या प्रॉब्लम

नहीं, वे बनाते हैं प्रोमोज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, रेलेंस होती है। इट्स जस्ट अजीब खिचड़ी यार, अजीब खिचड़ी यार, अजीब खिचड़ी। मतलब वो अब वो आगे फहाके कॉम्प्रोमाइज़ पिक्चर्स हैं, अब वो फिर बिचारा फ्रस्ट्रेट होके बैठी है। मैंने मैं मज़लील हुआ था, ये इस ड्रामे के रामोना चा� इट्स लो पेस्ड इट्स प्लेजेंट टू वॉच एंड अगर आप उस परस्पेक्टिव से देखें कि यार इसमें बैंग्स वैंग्स नहीं होने बट इट्स अ वेरी स्वीट जेंटल स्टोरी विच यू आप आराम से बैठ के एक सूप का प्याला ले कर आराम से देखें यू इन्जॉय इट आई डोंट थिंक इट्स स्लो पेस्ड इस बार तो ठीक था मुझे वो ओपनिंग सीन mm -hmm. बहुत अच्छा लगा mm -hmm. जो केम नमाज पढ़ने mm -hmm. आती है yeah. कितनी होती हैं दो सुन्नत दो फर्ज mm -hmm. अगर कोई गलती होगी तो कबूल हो जाएगी हो जाएगी वजू तुमने किए हैं हाँ मैंने वीडियो देखी थी मैंने वजू कर लिया है अब बट्टा ठीक करता उस बता है उसका बट्टा ठीक अच्छा तुम मुझे देखते yeah. ना अगर कोई गलती तो हाँ. बता देना क्यूट यार वेरी क्यूट सो क्यूट दीस आर मोमेंट्स आर एक्चुअली आर रियली रियली एंजॉयएबल व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी सॉ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ या interacting in this manner on screen no it's Never. very rare it's very rare it's so rare and, so pleasing and then so the whole conversation about suraiya and then the way they go to meet avas hmm. and on the contrary he doesn't come back thinking ki avas is a good match she says it's not a good match for my sister jo naturally with, with, jo a woman hota hai with good reason ha with good reason aur wo usko bitha ke kehte hain ki yaar ke hamad hamad hai na hamad se hum tumhari karenge but you need to forget this boy now yeah

very modest and very Islamic, and she is very evidently like completely Westernized in her dress. और बड़ी स्मार्ट लग रही होती मैं है। मैं बिलाल की एक्टिंग की तारीफ पहले दिन से करूँ आप सब लोगों को नहीं लगता जी जी, जी आप हर एपिसोड में ये कहेंगे अब हाँ। एक सीन था दाऊद का सुरैया के साथ जब वो कमरे में आती है शुरू में एंड ही इज अ बिट डिसअपॉइंटेड एज वेल लेकिन वो फिर उससे बात करता है यार वो बिलाल ने बहुत अच्छा किया जो एक्सप्रेशन थे चेहरे के ऊपर जिस तरह से ही हैंडल दैट दाऊद हैंडल बिलाल ने बहुत अच्छे तरीके से आई रियली लाइक द वे जब वो जाते हैं ओएस के घर और द वे द आंखों आंखों में यू नो दे आर कम्युनिकेटिंग सो उनका वो एक बन गया रिलेशनशिप और वो कहती है ना कि ओ डेविड तो वो कहती है कि मैं डेविड प्यार से डेविड कहती हूं प्यार से क्यूट so, है प्यार तो बन गया बन रहा है फिर

क्रिएट किया डेवलप किए केमिस्ट्री और जिस तरह मुझे नहीं पता केमिस्ट्री कैसे बनती है आपको पता नहीं पता है तो पता नहीं, अलब, नहीं से हो किसी है। को नहीं पता कि केमिस्ट्री बनती कैसे है बट जो भी उन दोनों ने किया जिस तरह से भी परफॉर्म किया इट्स वेरी इफेक्टिव एतश्याम भाई को भी क्रेडिट ये जो सीन्स हैं जिस तरह जी जी से हुए हैं तो एंजॉयबल वेरी एंजॉयबल गुड वॉच हां गुड वॉच नो बैंक्स बट वेरी स्मूथ सेलिंग एंड वेरी प्लेज़ेंट सेलिंग प्लेज़ेंट प्लेज़ेंट रप जी मूविंग ऑन टू कहां उछल के कहाँ जाना चाहेंगे जी महर्मा वो जो इंट्रीक बिल्ड हुआ था पहली एपिसोड में वो सस्टेन हुआ दूसरी किस्त में बिल्कुल और आपको अभी तक नहीं समझ आई कि ये माही कौन है ये क्या चाह रही है जबकि माँ ने रेफरेंस भी दिया कि आपको भी पता अच्छी तरह कि मैंने उसको क्यों

और फिर वो कहते हैं कि जी आप, आ, मैं बहुत तो not, अब बहुत बोझ बन गई हूँ हाँ, हाँ, आपको क्या लगता है ये इसलिए गई है कि यार मैं बोझ नहीं बनना चाहती हाँ, इन पे ये मुझे रोक लेंगे या कोई और सीन है नहीं यही सीन है यही सीन है यही सीन है, अभी तक मुझे यही लग रहा है कि यही सीन है कि ये बोझ नहीं बनना चाहती और ये कहती भी है कि नहीं बस और या ये ड्रामा सीरियल है जो छब्बीस एपिसोड का जो, हम, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है और अभी जो है दो किस्तों के बाद कहानी जो है वो बड़ी एक एक उस मोड पे है जो प्रेमिस है कि कि पे अ लॉट ऑफ यार के जो मेन किरदार है इस, इसकी लाइफ में हो क्या रहा है एक्चुअली चल क्या रहा है मेरा नहीं ख्याल कि ये पूरे ड्रामा में यही चलता रहेगा एट सम पॉइंट हमें आई समझे देखिए पहले एपिसोड के एंड पे आप मियाँ देख लेते हैं लेकिन इस एपिसोड में कहीं नहीं था

अगर आपने नहीं देखा देखें और फिर हमें बताएं कि आपने देखा बस वक्त है इतने ड्रामे देखने का तो वो देख लें हाँ, वो भी देख लें जरूर देखें हां ओके मूविंग ऑन टू देन एरामे जुनून एरामे जुनून

तो ये वो शान मारी मारीक्टर प्लेट बाई जी जो बहुत सपोर्ट कर रही है और रही यार मुझे अपनी बेटी दिख रही है इस वक्त मुझे और कुछ नहीं दिख रहा मेरी बेटी को जो चाहिए और अगर शानी उसकी मर्जी है तो यार अभी शानी के नाम को बेहतर होता है

अच्छा दूसरी तरफ शानी जब घर आता है दोस्त उसको कहता है यार कि तुम जाओ अपने घर वालों को बताओ वो कहता है नहीं, तो तो नहीं घर आने के बाद भी ये बता नहीं पाता ना अपनी, को, ना अपनी के problem के, problem के, क्या। नहीं बता पाता मैंने बड़ा मुझे लगा बताएगा अब बताएगा अब बताएगा ना हो बड़ी मुश्किल से वो अगली एपिसोड में सजीला को सजीला को बता देता हूँ और सजीला को जब वो बताता है एज एक्सपेक्टेड सजीला कहती है सो व्हाट Yeah. तुम उसको बेवकूफ बनाते रहो और हाँ अगर वो तुम तुमसे इंसिस्ट नहीं करी वो कहती कि तुमने तो अपना क्लियर कर दिया ना उसको हाँ? कि तुम नहीं so, करोगे तुम the तुम the yeah. अगर वो बेवकूफ है और वो बेवकूफ बनना चाहती है और hmm. तुमने उसको बता दिया कि अच्छा, uh, yeah. okay. so मदर हाँ, उस की hmm. नहीं हाँ, हाँ. hmm. तो ये तो मुझे आपकी बड़ी याद आई मैंने कहा यार आमना ने बड़ी और मैं कॉन्स्टेंटली माँ को इस नजरिए देख रहा हूँ कि यार के यार ये माँ बड़ी तेज है इसको सब पता है माँ को लेकिन ये जो है बड़ा अच्छा घुमा रही है जुगनू कहती है, नहीं नहीं तुम छोड़ दो नहीं नहीं सजीला को मत बताओ अच्छा सजीला को बताओ वो प्रेशर डाले मैंने यार वेरी फास्ट दिस मदर इज फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में पता लगता है कि का किरदार आ जाता है यहाँ पे और इसकी माँ को बोलता है शानिकी को कि व्हाट डू यू गाइस वांट यार वो तुम्हें शायन को मेरी बेटी चाहती है और हम उसकी जिंदगी तब्दील कर देंगे तुम लोग कहाँ से कहां जाओगे हाउ आर यू सो डम के तुम लोग उसको रोक रहे हो hmm. uh, शांति से मोबाइल दे मोहब्बत आई वर जस्ट फ्रेंड्स मैंने कहा यार ये हमना की जो थ्योरी भी शिस पढ़ेगा ना हम कर इतना नहीं अब यार फिर उन्होंने क्यों रोका तस्वीर भेजने मुझे नहीं पता यार वो देखे ना मैंने कोई वो तो इलॉजिकल तो आपने तो नहीं बात नहीं। तो लॉजिकल की थी लेकिन हाँ. मैं डिसअपॉइंट हुआ गुब्बारे में से फूंक निकल गई मेरे भी निकल गई है मैं कहा यार ये क्या यार ये क्या यार बिकॉज दे गिव दैट एविडेंस कि यू नो द मदर इज नॉट लेटिंग हिम टेल शानजे दैट ही इज एंगेज्ड व्हाई वुड शी डू दैट इफ दे वर फ्रेंड्स यू नो सो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग बट इट्स एन एंजॉयबल

ना क्या देते हैं सेल्फ सेल्फ दिए जा रहे हैं सेल्फ दिए जा रहे हैं वो करके थोड़ी सी, थोड़ी सी स्टार्ट होके चलती है फिर बंद हो जाती है बैटरी डेड हो जाती है फिर एक बंदा आता है उसको जंप स्टार्ट करता है फिर वो थोड़ा आगे जाती है फिर उसका टायर पंक्चर हो जाता है

और उसको वो लिफ्ट वापस देता है और अपने बाल शाल काले करके अगले दिन पहुंच जाता है रिश्ता कि ये तो बाबा जान की ये फरमाइश थी उसी वक्त जो भाई है वो समझ जाता है क्या हो रहा है ज़िमल भी सुन लेती है वो कहता है डोंट वरी वेर नॉट गोइंग टू मैरी यू ऑफ बट ना दैट दिस इज़ हेपनिंग डू थो शड गेट मैरिड एंड शीशल आई है सो ग्रेट पेस फटाफट चीज़ें हो रही हैं फटाफट चीज़ें हो रही हैं और यहाँ उधर हमारा जो दूसरा हीरो अशद वो कहता है मैं तो खुद रिश्ता लेके जा रहा हूँ उसका दोस्त मिल जाता है शाहजिल को बेकरी में वो आगे कहता है कि यार उसका तो रिश्ता मांगने आ रहे हैं उसकी मंगनी हुई भी है तो वो टू वो भी एक प्रोग्रेशन होती है वेरी फास्ट पेस्ड वेरी फास्ट पेस्ड एंड आई पर्टिकुलरली एंजॉय द परफॉर्मेंसेस सैयद जिब्रान ओह माय गॉड द चेंजेस इन हिज लाइक यू नो पर्सोना हिज पर्सनालिटी

लेकिन बाबा की आखिरी ख्वाही थी बाबा खाब में आए मैंने ये चाहते थे बाबा चाहते थे करके वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड दे पिक अप दैट ही लाइंग एंड यूजिंग बाबास नेम वेरी गुड परफॉर्मेंस जिब्रान के लिए दौल, दो दौल, थम्स अप फैंटास्टिक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है इजिब्रान देन

मां तक ठीक था कि बाबा जान नो पास्ट अवे एंड बट ठीक है आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू हैंडल द सिचुएशन बट देन शी गोस ऑन लाइक यार स्कूल में ऐसे होता है यहां पे mm. ऐसे होता है पाकिस्तान की कितनी बवादी में एंड यू लाइक ओके यू नो या लाइटन अप मैन दिस इज इंफॉर्मेशन आई एम नॉट इंटरेस्टेड नॉटली नॉट अ नेम नॉट अ नेम सो लाइटन अप यार

और वहाँ पे गाय बंदी होती है और एक लोटा लेके लुंगी में पुलिस वाला फिर रहा होता है वो सो एंजॉयबल एंड आई वाज लाइक यार ये जो बिल्डअप था सीन का सस्पेंस और इवन का ये अगले दिन यूनिफॉर्म में जब आएगा ना इन सबकी ब्लास्ट हो जानी है एग्जैक्टली वही होता है फरहान वेल डायरेक्टेड सीन फरहान मुझे डज नॉट लुक लाइक फरहान नो और फील लाइक फरहान या सीम लाइक फरहान अपीयर लाइक फरहान

और मैंने ये सोचा ये कि किस देखते हुए मुझे ख्याल आ रहा था कि कि यार नहीं यार अब जो कहानी आएगी ना वो मीरल की क्या uh, मीरल और uh, ससी हाँ. और अरसलान uh, इनके बीच में पेचा पड़ेगा एंड एग्जैक्टली exactly यही हुआ इन द प्रोमो आपको अब नजर आ जाता है

What What a beautiful beautiful. What a beautiful Beautiful. performance. Yeah. आपको आया होगा मकसद तुमसे शादी करने का ये था कि भाई तुम पसंद आ गई हो तुम दिल को गई हो बस जो दिल को भाजे जो पसंद आ जाए फिर मैं उसको किसी और का नहीं होने दूँ.

तो कहता है नस्ल जो है वो मर्ज से चलती मन से। है और जब वो मेरे घर में आई तो नस्ल उसकी ठीक हो गई नहीं जैसे ही वो मेरे घर में आई वो उसी दिन से पीरल की पीरल हो की की बीवी बीवी तो मतलब शट कॉल नहीं। 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 लेकिन एक एतराज है पीरल से की पीरल के बच्चे और क्यूँ नहीं हुए बच्चे और क्यों नहीं हुए नहीं दे पाई ना वो खाती दोनों ने दे पाई एक ने तो दे दिया था तो पीरल में तो फॉल्ट नहीं है फिर एक ही दिया मतलब है कि पीरल में तो फॉल्ट ना होगा ना फिर

पूरा अब सस्ती सस्ती की एंट्री होगी अब बेसिकली यू नो और मीरल की बुरी नजर उस पर यही सोच रहा था तो हाँ, I mean, हाँ, 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 मैंने कहा होगा क्योंकि हाँ, ये जितना बना ना असला ये करो वो करो ये पीरल और इसका जब टाकर हुआ बड़ा सीन ऑफ हो तो जाएगा आप जब किरदार में इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं इतना इंगेज हो जाते हैं इतना इन्वेस्टेड फील करते हैं

हाशिम नदीम की राइटिंग सैफी भाई की डायरेक्शन एंड एवरी सिंगल एक्टर हुज परफॉर्मड फरहान आसिफ रजा और यार लोगों की नजरों से आप देख लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन होने वाली है लाइक like, जो अशफाक होता है पुलिस वाला आपको पता होता है यार ये बेहतर इंसान है ही विल ही विल बी द राइट हैंड वेरी गुड कास्टिंग वेरी गुड कास्टिंग वेरी गुड कास्ट हां वेरी एंजॉयबल जी छुट्टी करें जी मेरे ख्याल है ऑन दैट नोट यार थैंक यू वेरी मच ये वाला रिव्यू है थोड़ा सा हमने ऐसे से किया है हाँ, तो आपको बताने के लिए कि जब हम चाहे हम यूं यूं भी कर सकते हैं यूं ही हो जाता है रिव्यू आ, आपको दोबारा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आई होप कि आपकी ईद अच्छे से गुजरी हो आई होप कि जो हम आज हमने ड्रामे रिव्यू किए उसके ऊपर आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे हाँ। और इस कॉन्वर्सेशन को आपने इन्जॉय किया होगा बहुत जल्द में और आपसे मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखियेगा खुदाफिज